हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम अंजीकूट ब्रिज के बारे में बात करेंगे जो जम्मू कश्मीर में अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, अंजीकूट ब्रिज उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक पर बन रहा है जो अंजी नदी के ऊपर बनाया जा रहा है। ये भारत का पहला केबल स्टेट रेल ब्रिज होगा। यह एक भारतीय इंजीनियर्स के लिए इंजीनियरिंग मिसाल होगा। यह प्रोजेक्ट भारत के राज्य जम्मू कश्मीर में बन रहा है। ये ब्रिज कटरा और रियासी को जोड़ने का काम करेगा। ये प्रोजेक्ट रियासी डिस्ट्रिक्ट में अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है जो इस साल के दिसंबर महीने तक पूरा होगा, जो कश्मीर वैली को भारत के साथ जोड़ने में अहम भूमिका निभाएगा और कश्मीर और भारत के टूरिज्म में भी अपनी भूमिका निभाएगा। इस ब्रिज की टोटल लंबाई 473.25 मीटर है और इसकी ऊंचाई 331 मीटर है नदी के ऊपर से। इसमें कुल 96 केबल लगाए जाएंगे जो ब्रिज को थामे हुए खड़ा होगा। यह ब्रिज हिमालय की जवान चोटियों से होकर गुजरेगा। हाल ही में रेलवे मिनिस्टर ने इस प्रोजेक्ट की पिक्चर सोशल मीडिया पर शेयर की और लिखा, अ फ्यूचर रेडी नेशन, फर्स्ट केबल स्टेट रेलवे ब्रिज कनेक्टिंग कश्मीर। खड़ी पहाड़ियाँ होने की वजह से इसकी कंस्ट्रक्शन बहुत मुश्किल थी, जैसे चनाब रिवर के ऊपर बन रहा है चनाब ब्रिज। एडवांस यूनिक टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट जैसे पंप कंक्रीटिंग सिस्टम अरेंजमेंट इस प्रोजेक्ट में उपयोग किए गए हैं। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक को कॉनकर रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा बनाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट में स्टील और कंक्रीट यूज होगा। बहुत ही मजबूती तरीके से बनाया जा रहा है ताकि आने वाले समय में अर्थक्वेक के साथ साथ बॉम्ब ब्लास्ट भी झेल सके। इस पर चलने वाली ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। यह ब्रिज इतना खूबसूरत होगा कि यह एक टूरिस्ट स्पॉट भी बन जाएगा। उम्मीद है यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।